हेलो स्टूडेंट, मैं वसीम खान आप सभी का गुडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 3A का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे चार खूबसूरत सवाल जो बचे हुए हैं आज हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। जो आज का पहला सवाल है कुछ इस तरह से है, जो मेरे नंबर 7 में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये कहा है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी और इसमें भी हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी और इसमें भी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बोले तो हमें दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक बात बताई थी, जब भी हमने लास्ट लेक्चर मैट्रिक्स का पढ़ा था, जब भी हम किसी की कंपेयर कर रहे होंगे तो हमेशा उनका ऑर्डर, हिंदी में बोले तो उनकी कोटी इक्वल होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या है 1 × 1, बोले तो एक रो और एक क्या है इसमें कॉलम, एक रो है एक कॉलम है, और ये भी मेरे पास क्या है एक रो और एक कॉलम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर कर देंगे। और क्या हुआ, कंपेयर करने पर क्या हुआ, कंपेयर करने पर x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया 3 के, x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया 3 के, और x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया 1 के। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये मेरे पास a11 है, इसको मैं नाम दूंगा a11, और ये भी मेरे पास क्या है a11, तो बोले तो a11 के ही इक्वल होगा। तो जैसे मैं लिखा x प्लस वाई 3, x माइनस वाई 1। तो अब आपको एक बात पता होगा, प्रश्न नंबर 17 में मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इन दोनों को, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड, और दोनों को ऐड कर दिया, हिंदी में बोले तो जोड़ दिया। और जब मैंने इनको जोड़ा तो इट टू इट कैंसिल, और x में एक x ऐड किया तो कितना हुआ 2x, और 3 में 1 ऐड किया तो क्या हुआ 4, और यहां से मेरे पास ये 2 कहीं में मल्टीपल में इधर जाके कहीं में आएगा डिवाइड में, तो मेरे पास x की वैल्यू आई कितनी 2, यहां से x की वैल्यू आई 2। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, अब मैंने x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। अब जैसे मैंने x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखी, आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जहां पर x है वहां पर मैंने 2 पुट कर दिया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये मेरा प्लस का है इधर जाके कहीं का हो गया माइनस का, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास क्या हुआ, यहां से मेरे पास x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 1, और यही मुझे सिद्ध करना था। अब आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही है प्यारे बच्चों, उसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अब आप देखो, ये मेरे पास 2 × 2 का कोटि का मैट्रिक्स है, एंड ये भी मेरे पास 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर भी कंपेयर करने पर ये लाइन आप खुद लिख लेना सेल्फ। तो x प्लस वाई क्या हुआ मेरे पास माइनस 1, क्या हुआ माइनस 1, और 7 इज इक्वल टू 7, हमें उससे कुछ नहीं लेना क्योंकि हमें तो x और y से लेना है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम अवयवी x और y के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा अवयव की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे पास 0 0 के इक्वल है, हमें इससे कुछ नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हमको तो x और y की वैल्यू चाहिए। अब इसमें आ गया 2x, और 2x किसके इक्वल है 6 के, बोले तो ये मेरे पास, मैंने यहाँ से x की वैल्यू का निकाले, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये 2 मेरे कहीं में मल्टीपल में, इधर जाके कहीं में आया डिवाइड में, तो x की वैल्यू आई मेरे पास 3। तो मैंने x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी मैं रखने पर। और जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी तो क्या हुआ 3, और ये क्या है मेरे पास प्लस y माइनस 1, ये मेरे पास प्लस का इधर जाके कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 1 और माइनस 3। और आपको पता है जब माइनस 1 और माइनस
दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, माइनस फोर बनाएंगे। और आपको पता है मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू माइनस फोर आ गई, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो अतः x इक्वल टू माइनस वन और y इक्वल टू माइनस फोर, और यही मुझे प्रूव करना था। ये आज का पहला खूबसूरत सवाल था। प्यारे बच्चों, आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, आपको फिर समझ के आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और देखो, और जब तक समझ में ना आए तब तक वीडियो को देखते रहो। आज का अगला सवाल है प्यारे बच्चों, वो है x प्लस वाई जेड, 2x प्लस वाई और 1 0। ये एक मैट्रिक्स की गिवन है जो कि 3 6 5 0 के एक मैट्रिक्स के इक्वल है, और ये पूछा है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको प्यारे बच्चों मैं नॉलेज के लिए बता दूं, जब भी इस टाइप की कंडीशन फॉर्मेट हो कि जब दो मैट्रिक्स हो और दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, और उसमें हमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू या एक्स वाई व्हाटएवर किसी की भी वैल्यू पूछी हो, तो हमें क्या करना है, हमें केवल उन कोफिशेंट या उन अवयव की क्या करनी है, कंपेयर करनी है जिसमें जो हमसे पूछा है। जैसे हमसे एक्स वाई जेड पूछा है तो हमें इस टाइप के मैट्रिक्स में केवल उन अवयवों की कंपेयर करनी है जिसमें एक्स वाई और जेड हो गए। जैसे मेरे पास ये 0 है तो मुझे इस 0 की कंपेयर नहीं करनी, ना मुझे इस 0 से कुछ भी लेना देना। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट है एक्स प्लस वाई, क्या है एक्स प्लस वाई, तो मैं इसकी कंपेयर लिखूंगा। यहां पर मैं एक लाइन लिखूंगा दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर, हिंदी में बोले तो दोनों अवयव की तुलना करने पर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ए 1 1, और ये भी मेरे पास क्या है ए 1 1, तो ए 1 1 की ए 1 1 से तुलना हो जाएगी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपको पता है इसको नाम मैं दूंगा क्या, ए 1 2, और ये भी मेरे पास क्या है ए 1 2। क्यों, आपको पता है पहले रो आएगा उसके बाद कॉलम आएगा, तो यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो गया, 6 के। अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड, और अब मेरे पास एक बचा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसे नाम दे दिया मैंने मैट्रिक्स थर्ड। अब यहां से मैंने क्या किया, अब आप एक बात देखो, x प्लस वाई किसके है इक्वल, 3 के, और x प्लस वाई किसके इक्वल है, 6 के। तो मैंने यहाँ क्या किया, x प्लस वाई की वैल्यू मैंने समीकरण फर्स्ट में और सॉरी समीकरण सेकंड में पुट कर दी। तो मैंने क्या किया, समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखने पर, और जब मैंने क्या किया x प्लस वाई की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखी तो क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये मेरे पास समीकरण सेकंड थी, और x प्लस वाई किसके इक्वल था, 3 के, तो यहां पर मैंने इक्वल रख दिया 3, और फिर प्लस लगाया और जेड मैंने सेम नोट कर लिया। अब आया 6, ये मेरे पास क्या है, 3 है प्लस का, इधर जाके कहीं का होगा माइनस का, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अब जैसे मेरे पास, अब इसके बाद जैसे मेरे पास x प्लस वाई किसके इक्वल है, 3 के, तो आपको पता होगा अब मेरे पास क्या होगा, जो ये मेरे पास y है, y की वैल्यू ये मेरे पास क्या है प्लस का, इधर जाके कहीं का होगा माइनस का। ये मैंने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट से, किससे किया इक्वेशन फर्स्ट से। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू, y का मान मैंने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, और जब मैंने इक्वेशन
थर्ड में वाई का मान पुट किया तो क्या होगा, कुछ इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी। देखो किस टाइप की, 2x + y = 5 और y की वैल्यू कितनी है 3 - x। तो मेरे पास क्या हुआ यहाँ से 2x + 3 - x = 5। मेरे पास इस टाइप की कंडीशन बन गई। अब आपको पता 2x में से एक x गया तो कितना बचा x, और आपको पता ये मेरे पास कहीं का है प्लस का और इधर जाके कहीं का जाएगा वो माइनस का। 5 - 3 क्या होगा 2। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 3। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। अब आप एक बात देखो, बहुत ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास x की वैल्यू 2 है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दू या यहाँ पर पुट कर दू, मेरे पास y की वैल्यू आएगी। अब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हुआ, तो अब यहां से क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी 2 और प्लस y = 3। तो y की वैल्यू ये प्लस का इधर जाके कहीं का होगा माइनस का, 3 - 2 = 1। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो यहां से क्या हुआ, अतः x की वैल्यू मेरे पास आई थी कितनी 2, y की वैल्यू आई कितनी 1 और z की वैल्यू आई 3। इट्स बच्चों अब हम देखते हैं आज का लास्ट सवाल, और जो मेरे पास आज का लास्ट सवाल है वो कुछ इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, 2xyz y0 = x260 एक अवयव के अवयव है प्लस 4x + y x0 दूसरे अवयव के अवयव है। आपको पता होगा मुझे x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि अभी हमने चंद लम्हों पहले किया, तो हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा, और आपको पता है कंपेयर जब ही होता है जब एक इधर अवयव हो और दूसरा इधर हो और बीच में क्या हो इक्वल। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो अवयव है, तो इन दो अवयव को मिला के हम एक अवयव का निर्माण कर लेंगे। और आपको पता है यहाँ पर क्या है प्लस, तो मैं इसका क्या करूंगा प्लस, और यहाँ पर 2 है, ये मेरे पास अदिश मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पर इसकी अदिश की गुणा करूंगा। 2 की x में मल्टीपल की तो क्या हुआ 2x, 2 की y में मल्टीपल की तो क्या हुआ 2y, 2 की z में की तो 2z, और जब 2 की आपको पता 0 में मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है 0। आपको पता है 0 की किसी में भी मल्टीपल कर लो तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 ही आएगा। अब मैं x को 4 में ऐड करूंगा, ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ मामला सेट करना है, और मामला एक बार सेट हो गया तो यहीं से मेरी सफलता का रास्ता जाएगा। तो x में 4 ऐड करा तो मामला सेट x + 4, 2 में x ऐड करा तो 2 + x, और 6 में x + y ऐड करा 6 + x + y, और 0 में 0 ऐड करा 0। अब हमारा यहाँ से मामला सेट होगा, अगर मामला सेट हो गया तो अब हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे x y z की तुलना करने पर। अब जैसे मैंने x y z की तुलना की तो आपको पता है ये मेरे पास क्या है a11 है और ये भी मेरे पास a11 है, और आपको पता है अगर सेम अवयव है ये भी a11 है और ये भी a11 है, तो समान अवयव के क्या होगी तुलना होगी, तो तुलना होने पर क्या होगा 2x किसके इक्वल होगा x + 4 के। और प्यारे बच्चे बोलो यू मेरे पास क्या है प्लस का, इधर आके कहीं का जाएगा वो माइनस का, 2x - x = क्या होगा 4। तो यहाँ से मेरे पास 2x में से एक x गया, क्या बचा x, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से 4। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट अवयव देखना पड़ेगा, जो मेरे पास नेक्स्ट अवयव है वो क्या है a12, और आपको पता है a12 की कंपेयर a12 से ही होगी, और जब मैं a12 की a12 कंपेयर की तो मुझे ये रिजल्ट मिला, और ये रिजल्ट मिला तो प्यारे बच्चों क्या हुआ यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। आपको पता है मेरे पास प्लस की इधर जाके कहीं की हो जाएगी माइनस की, ये मेरे पास माइनस का, तो क्या बच गया 6 + x। और आपको पता हमने x की वैल्यू तो अभी फाइंड आउट की है, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, 2y में तो y का क्या बचा y, और 6 + 4
क्या आ गया टेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऐसे ही जेड की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, टू जेड इज इक्वल टू क्या हुआ टू प्लस एक्स, और मैंने अभी चंद लोगों पहले बताया था जिस जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस उसकी प्यारे बच्चों कंपेयर करते हैं, अन्यथा हम किसी की कंपेयर नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमको मामला सेट करना है। अब 2z किसके इक्वल आ गया टू प्लस एक्स के, और अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी कितनी आई थी, अरे बोलने रहे हो 4, और जब मैंने 4 की वैल्यू यहाँ पुट करी तो मेरे पास रिजल्ट क्या 2z इज इक्वल टू टू प्लस 4, और 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पर क्या है 2z, और आपको पता है मुझे तो केवल सिंगल चाहिए, मुझे डबल नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर डबल जेड है, मुझे सिंगल चाहिए, सिंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को ये मल्टीपल में इधर जाके कहीं में हो जाएगा डिवाइड में, बोले तो 2 6 3, और ये मेरे पास क्या आ गई जेड की वैल्यू आ गई। तो हम अब कह सकते है कि मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, वाई की वैल्यू क्या आ गई 10, और जेड की वैल्यू क्या आ गई 3, और यही मुझे सिद्ध करना था। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हुआ, तो अब यहां से क्या हुआ x की वैल्यू कितनी 2 और प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू ये प्लस का इधर जाके कहीं का होगा माइनस का, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, तो यहां से क्या हुआ अतः x की वैल्यू मेरे पास आई थी कितनी 2, y की वैल्यू आई कितनी 1, और z की वैल्यू आई 3। इट्स हो गया प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको बता दूं मैंने आपकी है ना 12th की क्लास बहुत कम ली है, तो अगले 5-6 दिन हम 12th की क्लास कंटिन्यू रखेंगे, और आपसे उम्मीद की जाती है आपको चीजें समझ में आ रही होगी, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है ना तो आप चीजों को पीछे जाके फिर देखो, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, पांचवी वीडियो, व्हाटएवर जितनी भी वीडियो है सीरियल वाइज देखो, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप गोडविल इंटर कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी कमेंट करके बता सकते हो, आपको एक डाउट क्लास भी जो जो प्रॉब्लम है आप बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तो बैठे है, हम आप हमको फीस किस चीज की देते हो चीजों को समझने के लिए, हम आपको चीजें समझाएंगे जब तक आपके दिमाग में ना आ जाए, और एक बार दिमाग में आ गई तो काम हो गया, काम हो गया तो आपको पता है आप क्लास में टॉप कर जाओगे, और क्लास में टॉप कर जाएंगे तो फिर आपको पता ही है क्या होगा,